Hello everyone. So today we are going to study about a very important topic in psychiatric. It is mental status examination. So mental status examination क्या होता है? Mental status examination होता है यहाँ पे हम psychiatric practical करने जब जाते हैं तो उसका जो फुल मेंटल स्टेटस है, उसका जो अपीयरेंस है, स्पीच कैसे बोलते हैं, उसका मूड कैसा है, अफेक्ट कैसा है, उसका परसेप्शन क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है और उसका कॉग्निटिव फंक्शन किस तरह का है, ये पूरा चीज़ हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में एसेस करते हैं और उसके बाद हम डायग्नोसिस भी कर सकते हैं. ठीक है, तो देखते हैं कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं. तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करने से पहले और एक चीज़ हमको याद रखना है, डायरेक्टली जाके हमको पेशेंट से मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन नहीं करना है. पहले हमको पेशेंट के पास जाना है और उसके पास उसके बाद उसके साथ हमको रिपोर्ट मेंटेन करना है, उसका एक आइडेंटिफिकेशन डाटा लेना है. हमको आइडेंटिफिकेशन डाटा में जैसे उसका नेम, एज, सेक्स, उसका फादर नेम या तो स्पाउस का नेम, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, इनकम, इन्फॉर्मेंट, जो जो है हम थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन डाटा उसको ले लेंगे. उसके बाद उसका प्रेजेंटिंग चीफ कॉम्प्लेन है थोड़ा सा हम जान लेंगे. उसके बाद ब्रीफली हम उसका थोड़ा सा हिस्ट्री भी कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम उसका जो मेंटल स्टेटस है वो एसेस करना शुरू करेंगे. सो पहले हम क्या देखते हैं, पहले हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो है उसमें जो मतलब कुछ चीज़ देखते हैं. पहला चीज़ हम देखते हैं उसका जनरल अपीयरेंस. जनरल अपीयरेंस मतलब जब वो पेशेंट हमारे पास आएगा तब उसको देखते ही हमको क्या क्या समझ में आएगा जनरल अपीयरेंस के तौर पे. तो पहला चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ कि हम देखेंगे उसका अपीयरेंस. अपीयरेंस मतलब पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा में हम लोगों ने पूछ लिया कि उसका एज क्या होगा. ठीक है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन डाटा के हिसाब से हम अपीयरेंस में देखेंगे कि उसका जो एज है वो अप्रोप्रिएट टू उसका एज की जैसा ही लग रहा है. कि अगर मान लीजिए उसका जो एज उसने बोला वो 25 इयर्स ओल्ड है. ठीक है, तो हमको ये उसके अपीयरेंस से ये पता लगाना है कि उसने जो एज बोला है उसका जो ओरिजिनल एज है 25 इयर्स ओल्ड तो वो उसी एज का लग रहा है कि नहीं. कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान का जो उम्र होता है वो उससे ज़्यादा एज का या तो कम एज का लगता है. ठीक है, तो हमको वो चीज़ एसेस करना है कि वो अपने जितना एज है, ओरिजिनल एज है, उसी एज की जैसा ही लग रहा है या कि नहीं, या तो फिर उससे यंगर लग रहा है कि नहीं, एल्डर लग रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ देखना है. उसके बाद देखना है कि उसका जो वेट है वो अपनी एज के हिसाब से अंडरवेट है कि नहीं, या तो ओवरवेट है कि नहीं, उसकी बॉडी में कोई भी फिजिकल डिफॉर्मिटीज वगैरह है कि नहीं, वो सारी चीज़ देखना है. नेक्स्ट हमको देखना है कि वो आई टू आई कंटेक्ट मेंटेन कर रहा है कि नहीं. मतलब जब वो मेरे साथ बात कर रहा है तो वो मेरे साथ डायरेक्ट आई टू आई कंटेक्ट मेंटेन करके बात कर रहा है कि नहीं, या तो आई कंटेक्ट मेंटेन करने में उसको कोई डिफिकल्टी हो रहा है कि नहीं. जैसे कि मान लीजिए बात कर रही हूँ कि मेरा नाम ऐसा है बोल के आई कंटेक्ट जो है डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं कर पा रहा है, थोड़ा बात करके ऐसे इधर उधर देख रहा है, मतलब डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ऐसा हो रहा है कि नहीं, या तो फिर आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल ही मेंटेन नहीं कर पा रहा है. जैसे अगर वो मेरे साथ पेशेंट बात कर रहा है तो ऊपर देख के बात कर रहा है, नहीं तो नीचे देख के बात कर रहा है, नहीं तो इधर देख के बात कर रहा है, पर बिल्कुल मेरे साथ आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा है. तो वो चीज हमको ध्यान में रखना है कि वो आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है या नहीं. नेक्स्ट हमको देखना है कि वो रिपोर्ट जो है मेरे साथ वो रिपोर्ट किस तरह से मेंटेन कर पा रहा है, मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. जैसे मान लीजिए पेशेंट जब मेरे पास आया, मैंने उसको गुड मॉर्निंग विश किया तो वो स्पॉन्टेनियस वो खुद से मेरे गुड मॉर्निंग विश से स्माइल किया है कि नहीं, फिर से वो गुड मॉर्निंग बोला है कि नहीं, स्पॉन्टेनियसली वो मेरे साथ रिपोर्ट मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं वो देखना है, या तो फिर उसको रिपोर्ट मेंटेन करने में डिफ़िकल्टी हो रहा है. जैसे मैंने बोल दिया अच्छा हेलो भाई कैसे हैं आप, नमस्ते, तो वो चट से नहीं बोल पा रहा है, थोड़ा रुक के हाँ ठीक हूँ, मतलब थोड़ा हेजिटेट करके बोल रहा है, अच्छे से रेपो मेंटेन नहीं कर पा रहा है. या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है रेपोर्ट, कि मैं कुछ भी बात कर लूँ जो नमस्ते भैया आप कैसे हो,
तो एकदम कुछ भी नहीं बोल रहा है, चुपचाप हो गया, कुछ भी रिपोर्ट ही मेंटेन नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ हमको देखना है कि पेशेंट मेरे साथ जो है रिपोर्ट मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट देखना है, ये अपीयरेंस तो पहले हम लोगों ने देख लिया, नेक्स्ट देखना है उसका फेशियल एक्सप्रेशन। तो फेशियल एक्सप्रेशन से हमको पता चलेगा कि पेशेंट का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो नॉर्मल है कि नहीं, जैसे कि बात कर रहा है अच्छे से, नॉर्मली बात कर रहा है, तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल है कि नहीं, या तो वो बहुत एंशियस दिखाई दे रहा है उसका फेशियल एक्सप्रेशन, या तो बहुत खुश दिखाई दे रहा है, या तो बहुत डरावना फियरफुल दिखाई दे रहा है, या फिर कोई भी इमोशंस ही नहीं दिखाई दे रहा है उसका फेशियल एक्सप्रेशन में, ऐसे ऐसे ब्लंटेड है, कोई भी इमोशंस नहीं है, तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेक करना है। नेक्स्ट हमको उसका लेवल ऑफ ग्रूमिंग चेक करना है, मतलब वो लेवल ऑफ ग्रूमिंग नॉर्मल है कि नहीं, वो अच्छे से ड्रेसअप किया है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अभी सीजन के हिसाब से उसने ड्रेसअप किया है कि नहीं, अभी बहुत गर्मी चल रहा है और उसने ओवर ड्रेसअप तो नहीं कर लिया, ठीक है। ऐसे नॉर्मली भी मैक्सिमम तौर पे मेनिक पेशेंट जो होता है वो क्या करता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ओवर ड्रेसअप कर देते हैं, तो हमको वो लेवल ऑफ ग्रूमिंग चेक करना है कि वो ड्रेसअप कैसे कर रहे हैं, ओवर ड्रेसअप तो नहीं कर रहे है, या तो अंडर ड्रेसअप तो नहीं कर रहे, ठीक ठाक नॉर्मली ड्रेसअप कर रहा है कि नहीं, वो हमको देखना है। नेक्स्ट हमको देखना है लेवल ऑफ क्लीनलीनेस। तो साइकेट्रिक पेशेंट का ये चीज़ में बहुत प्रॉब्लम होता है कि वो क्लीनलीनेस बहुत कम रह पाता है, तो वो चीज़ का हमको ध्यान देना है कि वो जो क्लीनलीनेस का लेवल है उन लोगों का वो एडिक्वेट है कि नहीं, या तो इनएडिक्वेट है, या तो मतलब एकदम ही मतलब थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा बहुत नहीं है, जैसे बॉडी से ऑडर आ रहा है, बदबू आ रहा है, और बॉडी में बहुत मेल, मतलब बहुत मेल जमा हुआ है, तो इस तरह का क्लीनलीनेस, कपड़ा जो पहन के रखा है बहुत काला है, गंदा है, तो इस तरह की चीज़ हमको यहाँ पे एसेस करना है कि उसका जो लेवल ऑफ क्लीनलीनेस है वो कितना मेंटेन कर रहा है। नेक्स्ट है मोड ऑफ एंट्री। मोड ऑफ एंट्री मतलब जब पेशेंट मेरे सामने आ रहा है बात करने के लिए, तो वो पेशेंट किस तरह से आ रहा है, वो खुद से विलिंगली आ रहा है कि मेरे साथ बात करने के लिए, या उसको कोई ज़बरदस्ती पकड़ के फोर्सफुल्ली लेके आ रहा है कि वो मेरे साथ बात करे, वो सब चीज़ हमको मोड ऑफ एंट्री में देखना है। नेक्स्ट हमको देखना है बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट हमको बिहेवियर देखना है। बिहेवियर में ये चीज़ हमको देखना है कि वो नॉर्मली बिहेव कर रहा है कि नहीं, या तो फिर बहुत ज़्यादा ही ओवरफ्रेंडली बिहेव कर रहा है कि नहीं, वो चीज़ भी देखना है, ठीक है। जैसे कि मान ले आके हमको हैंडशेक कर लिया, आके बोले अरे भाई कितने दिन से नहीं मिला, अभी तो बहुत अच्छा हो गया, इतना बात करना शुरू कर दिया जैसे कि वो मेरे पहले के दोस्त थे, इस तरह से कुछ ओवरफ्रेंडली बिहेवियर तो नहीं कर रहा है, या तो फिर कुछ एग्रेसिव बिहेवियर तो नहीं कर रहा है, बहुत आके वायलेंट हो गया, बहुत गुस्सा हो गया मेरे साथ बात करते करते, तो एग्रेसिव बिहेवियर तो नहीं कर रहा है, वो भी देखना है। उसके बाद ये भी चेक करना है बिहेवियर में कि कहीं वो प्रीऑक्यूपाइड तो नहीं है। प्रीऑक्यूपाइड मतलब कहीं वो अपने ही कुछ दुनिया में तो नहीं खोया है, अपने ही दुनिया में कुछ मतलब बिजी तो नहीं है, कुछ खोया खोया सा तो नहीं है, तो इस तरह का चीज हमको बिहेवियर में देखना है। नेक्स्ट हमको कोऑपरेटिवनेस देखना है। कोऑपरेटिवनेस में देखना है कि वो हमारे साथ नॉर्मली कोऑपरेट कर रहा है कि नहीं, या तो ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही कोऑपरेट कर रहा है, या तो कुछ कम कोऑपरेट कर रहा है, वो सारे चीज़ हमको देखना है। नेक्स्ट हमको देखना है, ऑलरेडी हमने बोल दिया आई टू आई कॉन्टैक्ट, उसका साइकोमोटर एक्टिविटी, मतलब उसका जो मूवमेंट है, जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो नॉर्मल है कि नहीं है, या तो इंक्रीज्ड हो गया या तो डिक्रीज्ड हो गया, वो सारी चीज़ देखते हैं। जैसे कई डिप्रेशन पेशेंट में क्या होता है, साइकोमोटर एक्टिविटी जो होता है वो डिक्रीज्ड हो जाता है, मतलब बहुत स्लो हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, कुछ भी काम नहीं करता, हाथ मूव भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इस तरह से डिक्रीज हो जाता है। और जो मेनिक पेशेंट होता है उसके साइकोमोटर एक्टिविटी जो है उल्टा हो जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ भागना, यहाँ से वहाँ भागना, बहुत ज़्यादा उसका साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, तो हमको साइकोमोटर एक्टिविटी भी पेशेंट का चेक करना है। नेक्स्ट हमको क्या देखना है, उसका गेस्चरिंग, उसका जो गेस्चर है वो नॉर्मल है या कुछ ऑड है, वो देखना है। नेक्स्ट हमको उसको पोस्चरिंग देखना है, पोस्चरिंग नॉर्मल है कि नहीं, या तो फिर कुछ एबनॉर्मल पोस्चर जैसे कि कैटाटोनिक या तो स्टूपरस पोस्चर लेके बैठा है कि नहीं। कैटाटोनिक पोस्चर मतलब कुछ ओड पोस्चर, जिसको हम वैक्सी फ्लेक्सीबिलिटी बोलते हैं, जैसे कि जो कैटाटोनिक्स की जो फ्रीनिया का पेशेंट होता है उन लोगों में ऐसे कैटाटोनिक पोस्चर दिखाई देता है, जैसे
एकदम स्टिफ होके बैठे रहते हैं, ऐसे ऐसे स्टिफ होके बैठे रहते हैं बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, या तो फिर बहुत ऐसे सिमटा हुआ सा रहता है, तो उसका जो पोस्चर है वो हमको एसेस करना है किस तरह का पोस्चर वो कर रहा है। नेक्स्ट अदर मूवमेंट में हमको देखना है कि मूवमेंट जो है उसका बॉडी का जो सारा पार्ट्स का जो मूवमेंट है वो नॉर्मल चल रहा है कि नहीं, या तो स्टीरियोटाइप्स है कि नहीं। स्टीरियोटाइप्स मतलब बार बार एक ही जैसा मूवमेंट करना, जैसे ऐसे इस तरह से बार बार करना, स्टीरियोटाइप मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। ट्रेमोर्स मतलब इस तरह से हाथ शेक करना, पैर शेक करना, ठीक है, इस तरह से हमको देखना है इसकी बॉडी में कोई ट्रेमोर तो नहीं है, एबनॉर्मल मूवमेंट, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स तो नहीं दिखाई दे रहा है। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो है वो मेनली हमारा एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स होता है उसका साइड इफेक्ट्स की तौर पे आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको देखना है उसकी बॉडी की मूवमेंट में कोई एबनॉर्मल मूवमेंट तो नहीं दिखाई दे रहा है, वो सारी चीज़ हमको मूवमेंट में देखना है। नेक्स्ट हमको चेक करना है क्या है, स्पीच। पहले हमने चेक कर लिया उसका जनरल अपीयरेंस, ठीक है, जनरल अपीयरेंस और बिहेवियर को चेक कर लिया। नेक्स्ट हमको जो चेक करना है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में वो है स्पीच। स्पीच में हम पहले क्या देखेंगे, इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब वो जो हमारे साथ बात कर रहा है वो स्पॉन्टेन्यूअस इनिशिएशन है कि नहीं, मतलब आके खुद से बात कर रहा है कि नहीं, या तो फिर जब हम बात कर रहे हैं सिर्फ उसका आंसर दे रहा है, ठीक है, या तो फिर अगर हम 10 सवाल पूछते हैं तो सिर्फ 2 सवाल का आंसर दे रहा है, बहुत मिनिमल बात कर रहा है कि नहीं, या तो फिर अगर हम 10 सवाल पूछते हैं तो एक भी आंसर नहीं देता, म्यूट है कि नहीं, तो ये इनिशिएशन हमको स्पीच में ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट हमको देखना है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम मतलब जब हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं पेशेंट को तो वो क्वेश्चन का आंसर देने में कितना टाइम लगाते हैं, रिएक्शन करने में कितना ज़्यादा वक्त लगाते हैं, वो है रिएक्शन टाइम। तो हमको एसेस करना है कि जो पेशेंट है उसका स्पीच का जो रिएक्शन टाइम है वो कैसा है, नॉर्मल है या तो डिलेड है। मैक्सिमम टाइम जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है उसका रिएक्शन टाइम थोड़ा डिलेड होता है। मान लीजिए मैं पेशेंट को पूछ लिया आप कैसे हो, तो अभी मैंने पूछा तो 5 मिनट 10 मिनट बाद उसका आंसर आएगा, हाँ मैं ठीक हूँ, तो ये बहुत रिएक्शन जो दे रहा है मेरे क्वेश्चन का बहुत लंबा हो गया, डिलेड हो गया। तो कभी कभी पेशेंट तो ऐसा होता है कि बोलने से पहले आंसर कर देते, बहुत जो रिएक्शन टाइम है बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड हो जाता है, तो इस सारी चीज़ हमको एसेस करना है। नेक्स्ट हमको रेट देखना है कि पेशेंट का जो स्पीच है उसका रेट कैसा है, नॉर्मल है, स्लो है या तो बहुत ज़्यादा रेपिडली बात कर रहा है। नेक्स्ट हमको स्पीच का प्रोडक्टिविटी देखना है। प्रोडक्टिविटी में हमको क्या चेक करना है स्पीच का, कि वो जो स्पीच बोल रहा है वो मोनोसिम्बलिक है कि नहीं। मोनोसिम्बलिक मतलब हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो एक सिंगल सिलेबल में आंसर कर रहा है, जैसे आप आज क्या खाया, नाश्ते में क्या खाया, पोहा, बस खत्म, एक सिंगल वर्ड में एक सिंगल सिलेबल में वो खत्म कर देगी, ज़्यादा नहीं बोलेगी मोनोसिम्बलिक में। या तो फिर वो इलाबोरेटिक रिप्लाई कर रहा है, मतलब बहुत अच्छे से इलाबोरेट करके रिप्लाई कर रहा है कि आज आपने क्या खाया, इसी क्वेश्चन का अगर इलाबोरेटिव रिप्लाई करेगी तो ऐसे बोलेगा कि अरे आज सुबह तो मैंने पोहा खाया, इतना टेस्टी था ना वो पोहा, मैं क्या बताऊँ आपको, इतना रगड़ रगड़ के एकदम थाल प्लेट सब कुछ मैंने एकदम अच्छे से खा लिया, बस कुछ नहीं बचा मेरे प्लेट में, मतलब बहुत इलाबोरेटली वो रिप्लाई दे रहा है कि नहीं, वो चीज़ हमको देखना है प्रोडक्टिविटी में। नेक्स्ट हमको वॉल्यूम चेक करना है स्पीच का, जो वॉल्यूम है वो जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ वो नॉर्मल वॉल्यूम में बात कर रही हूँ, तो पेशेंट जो मेरे साथ बात कर रहा है वो वॉल्यूम नॉर्मल है या बहुत ज़्यादा लाउडली बात कर रहा है या बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट इस तरह से बात कर रहा है, वो सारी चीज़ हमको वॉल्यूम में देखना है। नेक्स्ट हमको टोन देखना है कि जो बात हो रहा है वो बहुत हाई पीच में बात हो रहा है या लो पीच में बात हो रहा है या तो मोनोटोनस, मतलब मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ, मेरे सर तो ऐसे ही होते, मतलब अपने आप मोनोटोनस बात कर रहा है, ये टोन हमको चेक करना है। नेक्स्ट हमको स्ट्रीम में चेक करना है कि जो बात कर रहा है स्पीच जो आ रहा है वो नॉर्मल है कि नहीं, इसमें कोई मतलब जो हम मेनली स्ट्रीम जो थॉट की डिसऑर्डर में है वहाँ पे भी देखते हैं कि उसमें कोई सरकमस्टेंशियलिटी, कोई भी स्पीच स्ट्रीम का जो प्रॉब्लम होता है, स्टीरियोटाइप्स प्रॉब्लम या तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज इस तरह का कुछ है कि नहीं है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। नेक्स्ट कोहेरेंस भी चेक करेंगे कि जो बात जो स्पीच वो बोल रहा है वो फुल्ली कोहेरेंट है कि नहीं, मतलब फुल्ली उसका कुछ मीनिंग आ रहा है कि नहीं या तो कुछ भी मीनिंग नहीं आ रहा है, एक बात से दूसरे बात पे जंप हो रहा है,
ये सब चीज देखने है। और बाकी अदर स्पीच में हमको देखना है कि स्पीच में कोई अदर प्रॉब्लम जैसे कि कोलेलिया हो रहा है कि नहीं, कोलेलिया मतलब बार 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 सेम स्पीच को रिपीट करना, जैसे कि मैंने बोला कि आप कैसे हो तो वो बोल रहे आप कैसे हो, मेरी ही स्पीच को वो रिपीट करेगा, इको करेगा, इकोलेलिया हो रहा है कि नहीं, या तो फिर कोई न्यूलोगिज्म है कि नहीं, जैसे कि नया न्यूलोगिज्म मतलब कोई नया नया वर्ड कॉइन करना, जैसे कि पेशेंट बोल रहा है आई एम टू स्लिम छांग शुंग छांग, इस जो सेंटेंस मैंने बोला, जो वर्ड मैंने बोला या भी यहाँ का कुछ भी मीनिंग नहीं है, पर जो न्यूलोगिज्म होता है तो पेशेंट इस तरह का कुछ न्यू वर्ड कॉइन करते हो और जिसका मीनिंग सिर्फ पेशेंट को ही पता होता है, बाकी किसी को पता नहीं होता क्योंकि उस चीज का कुछ मीनिंग ही नहीं होता। तो ये सारा चीज हम चेक करेंगे स्पीच में। नेक्स्ट थर्ड में हम चेक करेंगे पेशेंट का मूड एंड एफेक्ट। अभी हमको यहाँ पे पता करना है कि मूड क्या है और एफेक्ट क्या है। मूड मतलब पेशेंट का सब्जेक्टिव फीलिंग, जो हमको पता नहीं चलेगा कि पेशेंट का मूड क्या है, ये उसका सब्जेक्टिव फीलिंग है। अगर पेशेंट बोलता है कि मेरा मूड आज अच्छा है तो ही हमको पता चलेगा कि पेशेंट का मूड कैसा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने पेशेंट को क्वेश्चन किया हाउ आर यू, उसकी मूड को जानने के लिए, तो उसने शायद आंसर जो भी किया, मैं आज बहुत अच्छी हूँ, या तो मैं खुश हूँ, या तो मैं आज अच्छा नहीं हूँ, आज मेरा मन बहुत खराब है, अगर पेशेंट ऐसा बोलता है तो ही हमको समझ में आएगा कि पेशेंट का मूड कैसा है। मतलब ये जो मूड है बिल्कुल सब्जेक्टिव फीलिंग है जो सिर्फ पेशेंट को पता है, हम बाहर वालों को पता नहीं चलेगा। अब ये इफेक्ट क्या है? इफेक्ट होता है ऑब्जेक्टिव फीलिंग, मतलब जो बाहर से हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मतलब पेशेंट का जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसको देख के जो हम मतलब आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका इफेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्टिव फीलिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज हमने देखा कि पेशेंट का जो मूड है वो सब्जेक्टिव फीलिंग होता है, और जो इफेक्ट है जो उसका फेशियल एक्सप्रेशन में दिखाई देता है, जो हम देख सकते हैं बाहर से, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम इफेक्ट बोलता है। तो मान लीजिए मेरा मूड कैसा है आज आपको जानना है, तो आप नहीं बता सकती हो कि मेरा मूड अभी कैसा चल रहा है, तो इसके लिए आपको मुझे क्वेश्चन करना पड़ेगा कि मैडम आपका मूड कैसा है। तो अगर मैं बोलती हूँ हाँ मैं आज ठीक हूँ, और मेरी फेशियल एक्सप्रेशन में आप ऑब्जेक्टिव डाटा में इफेक्ट देख सकते हो कि मेरा फेशियल एक्सप्रेशन क्या अच्छा लग रहा है, या मैं ठीक हूँ बोल के मैं रो तो नहीं रही हूँ, मेरा मूड बहुत मतलब फेशियल एक्सप्रेशन एकदम नम्ब तो नहीं है, अगर मैं ठीक हूँ बोल रही हूँ तो मतलब मैं नॉर्मल हूँ, तो आप मेरा फेशियल एक्सप्रेशन में वही ठीक होने जैसा एक्सप्रेशन होना है। अगर मैं बोलती हूँ नहीं मेरा मन बहुत ज्यादा खराब है आज, तो आप वो इफेक्ट में ऑब्जर्व करोगे कि मेरे फेशियल एक्सप्रेशन क्या कैसे दिख रहा है, कि मैं मेरा बहुत डल दिख रहे हो क्या, कि मेरा फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा है यार तेरा मूड सही नहीं है क्या, तेरे फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा है, इस तरह से इफेक्ट से पता चलता है। तो जैसे मैं मूड ऐसे बैठी हूँ क्या यार तेरा मूड अच्छा नहीं है क्या, फेशियल एक्सप्रेशन तो ऐसे ही लग रहा है। तो इस तरह से हम लोग मूड और एफेक्ट को क्या कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते। तो यहाँ पे हम मेंटल स्टेटस में और एक चीज देखेंगे, जो पेशेंट का जो मूड है और जो एफेक्ट है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं। मान लीजिए पेशेंट बोल रहा है कि हाउ आर यू में बोल रहा है कि मेरा मन बहुत ज़्यादा खुश है आज, और इफेक्ट में वो रो रहा है, इतना बड़ा बड़ा आंसू टपक रहा है उसकी आंखों से, और बोल रहा है कि मेरा मन बहुत खुश है, और इफेक्ट में दिख रहा है वो रो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसका जो मूड है और जो इफेक्ट है वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अक्सर साइकेट्रिक पेशेंट में ये दिखाई देता है कि उन लोगों का जो मूड है और जो इफेक्ट है वो मैच नहीं करता। तो यहाँ पे हमको ये चीज़ ध्यान रखना है पेशेंट का जो मूड और एफेक्ट वो एप्रोप्रिएट हो रहा है कि नहीं, ठीक है, वो हमको देखना है, और उसके बाद हमको इंप्रेशन लिखना है कि जो मूड एंड एफेक्ट है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमको जो चीज देखना है वो है थॉट। थॉट में हमको क्या क्या चीज देखना है, पहले जो थॉट में देखना है वो है फ्लो ऑफ थॉट। फ्लो ऑफ थॉट में हमको देखना है कि पेशेंट का जो थॉट लेवल है वो नॉर्मली रन कर रहा है कि नहीं, नॉर्मली वो सोच पा रहा है कि नहीं, सोच लेवल जो है उसका, थिंकिंग जो कैपेबिलिटी है वो नॉर्मली जा रहा है कि नहीं। दूसरा थॉट में हम देख सकते हैं कि उसका जो थॉट है वो रिटार्डेड थिंकिंग तो नहीं हो रहा है, मतलब जो थॉट है वो बहुत धीरे ही धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब अगर
बहुत स्लोली बात कर रहा है, मैं अगर कुछ बोल रही हूँ तो बहुत जल्दी नहीं सोच पा रहा है, बहुत पॉवर्टी ऑफ थॉट दिखाई दे रहा है कि नहीं, मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कल रात को आपने क्या खाया डिनर में, तो झट से उस वो उस चीज़ को रिएक्शन नहीं कर पा रहे क्योंकि उसको याद नहीं आ रहा है, उसका थॉट जो है रिटार्डेड हो गया है, तो वो बोल रहा है कि यार मैंने अभी बोल के रुक जाता है, रिटार्डेड हो जाता है, फिर थोड़ा याद करता है हाँ शायद रोटी खाया था, तो इस तरह से जो थॉट है वो फ्लो में नहीं जाता, वो पॉवर्टी ऑफ थॉट हो जाता है, मतलब बहुत वीक हो जाता है, टोन बहुत स्लो हो जाता है, बहुत धीरे बोलता है और रुक के बोलता है क्योंकि उसका जो थॉट है वो फ्रिक्वेंटली नहीं फ्लो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं उसमें कि थॉट ब्लॉक तो नहीं हो गए, एक तो हो गया थॉट रिटार्डेशन, धीरे धीरे थॉट आ रहा है मन में, एकदम फ्लुएंटली नहीं आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है और बहुत स्लोली आ रहा है, और एक हो गया उसके बाद चेक करेंगे कि कोई थॉट ब्लॉक तो नहीं है, मतलब एकदम से उसका दिमाग एकदम ब्लॉक हो गया, कोई भी थॉट्स नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए ऐसा हो गया कि अभी एग्जाम आ गया, ठीक है, एग्जाम की पेपर में अक्सर होता है कि पेपर देखते ही हमारा थॉट एकदम ब्लॉक हो जाता है, हमको ऐसा लगता है यार हमको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं आ रहा है दिमाग में, सब ब्लैंक लग रहा है, तो इस तरह से मतलब पेशेंट अगर मैं कुछ पूछती हूँ उसको जो कि आपके नाम क्या है, ऐसे 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 ही देखते रहेगा, उसका मतलब कुछ भी थॉट नहीं आएगा, फुल ब्लैंक रहेगा कि क्या है मेरा नाम क्या है, मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा है, पूरा थॉट ब्लॉक है कि नहीं वो चेक करना है। नेक्स्ट हमको चेक करना है कि उसको कुछ फ्लाइट ऑफ आइडियाज वगैरह है कि नहीं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज मतलब उसका जो थॉट है वो एक थॉट के साथ एक थॉट के ऊपर से दूसरा थॉट फ्लाइट कर रहा है कि नहीं, मतलब एक थॉट कंप्लीट होते होते उसके साथ दूसरा थॉट फ्लाइट तो नहीं हो रहा है, वो चीज़ हमको देखना है। ठीक है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज में देखना है, जैसे पेशेंट को पूछ लिया मैंने कि आपने कल सुबह क्या खाया, ठीक है, आपने कल सुबह क्या खाया, ये अगर मैंने पूछ लिया तो अगर पेशेंट को फ्लाइट ऑफ आइडियाज है तो एक थॉट के ऊपर से दूसरा थॉट क्या करेगा, रन करना शुरू कर देगा और वो बहुत जल्दी 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 दूसरा दूसरा टॉपिक बोलना शुरू कर देगा, जैसे कि बोलेगा अरे मैं कल सुबह तो रोटी खाया था, अरे राजू बहुत अच्छा लड़का है, कल तो मैं जाऊँगी मूवी देखने, हमारे पास कितना सारा पेन है, अरे मैंने एक टी शर्ट दिया था धोने के लिए वो अभी तक नहीं धो, इस तरह से क्या करेगा एक थॉट के ऊपर से दूसरा थॉट ऐसे फ्लाइट करेगा, जंप करके जाएगा और एक के साथ दूसरा थॉट जो है कनेक्टेड नहीं रहेगा, फ्लाइट करेगा, कोई कनेक्शन नहीं रहेगा एक थॉट के साथ दूसरा थॉट का, तो इसको हम फ्लाइट ऑफ आइडियाज बोलते हैं। तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज मेनली जो है कि मैनिक पेशेंट में दिखाई देता है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे पेशेंट को कोई क्लैंग एसोसिएशन तो नहीं है, क्लैंग एसोसिएशन मतलब पेशेंट जो है वो बहुत रिदमिक ओए में बात करेगा, जैसे ऐसे बोलेगा मैंने तो खाना बाना जाना घाना, मैंने कल चाय टाए पाए झाए, ऐसे जो भी वर्ड बोलेगा सेंटेंस बोलेगा एक रिदम लेके उसको बोलेगा, तो इस तरह का कुछ क्लैंग एसोसिएशन तो नहीं है, या तो पेशेंट बिल्कुल ही म्यूट है मतलब चुप हो गया कुछ भी नहीं बोल रहा है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, कुछ भी पूछ रही हूँ, पेशेंट कोई भी जवाब नहीं दे रहे, बिल्कुल म्यूटली बैठा है, तो मैक्सिमम टाइम जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है या तो फिर कैटाटोनिक्स की जो फ्रीनिया का पेशेंट होता है उन लोगों में म्यूटिज्म ज्यादा दिखाई देता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ थॉट में देखेंगे, फॉर्म ऑफ थॉट में हम चेक करेंगे कि फॉर्म जो है वो नॉर्मल है कि नहीं, या उसका जो थॉट है वो खुद समझ में आ रहा है कि नहीं, या थॉट में कोई सर्कमस्टेंशियलिटी टेंजेंशियलिटी है कि नहीं। अभी यहाँ पे सर्कमस्टेंशियलिटी क्या है, सर्कमस्टेंशियलिटी मतलब अगर हम लोगों ने उसको कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, मान लीजिए कल रात को आपने क्या खाया डिनर में, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट उसका आंसर नहीं देगा, वो क्या करेगा बहुत घुमाएगा बहुत सारे इधर उधर की बात बोलेगा, उसके बाद लास्ट में क्या करेगा वो अपना आंसर देगा। ठीक है, सर्कमस्टेंशियलिटी में। पर टेंजेंशियलिटी में क्या होगा, सेम है, अगर हम लोगों ने पूछ लिया कि कल रात को आपने क्या खाया तो बहुत इधर उधर की बात करेगा, घुमाएगा पर आंसर जो कल रात उसने क्या खाया वो वाला आंसर कभी नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए सर्कमस्टेंशियलिटी में मैंने पेशेंट को पूछ लिया कि आपने कल रात को क्या खाया, तो उसने बोला कल सुबह तो मैंने 9 बजे
गए नींद से उठा, उठने के बाद मैंने खाना खाया, खाना खा के उसके बाद मैं दोस्त के साथ खेलने गई, खेलने के बाद मैं आया नहाया बढ़िया से एक कप चाय पिया, उसके बाद मैं मूवी देखने बैठ गई, मैंने 3 मूवी देखा, उसके बाद मैंने फिर अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करने बैठ गई, शाम को मैंने गया घूमा और बहुत सारा शॉपिंग किया, उसके बाद घर में आके मैंने थोड़ा सा पढ़ाई करने की कोशिश की तो थी पर दिमाग में नहीं गया और मैंने पढ़ाई ही रख दिया, उसके बाद मम्मी ने बुलाया खाना खाने के लिए, उसके बाद रात को खाने में मैंने रोटी चावल और दाल खाया, आ गया आंसर आ गया कि रात को उसने रोटी चावल और दाल खाया, पर ये आंसर आने से पहले उसने कितना सारा अननेसेसरी बात किया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्कमस्टेंशियलिटी, बट इस पेशेंट को अगर टेंजेंशियलिटी होता तो वो इतना सारा बात ही बोलता पर कभी ये नहीं बोलता कल रात को उसने डिनर में क्या खाया, मतलब रोटी चावल दाल जो भी खाया रात के डिनर में क्या खाया वो आंसर कभी नहीं आता उसका, तो ये हो गया टेंजेंशियलिटी। तो यहाँ पे सर्कमस्टेंशियलिटी और टेंजेंशियलिटी में दो मेन डिफरेंस है, वो है सर्कमस्टेंशियलिटी में बहुत घुमा फिरा के आंसर आ जाएगा पर टेंजेंशियलिटी में घुमाएगा घुमाएगा पर कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पेशेंट पे न्यूलोगिज्म है कि नहीं, जैसे मैंने स्पीच में भी बोला था कि कोई न्यू वर्ड इस तरह का कॉइन कर रहा है कि नहीं वो हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे पेशेंट वर्ड सलाड कर रहा है कि नहीं, मतलब सारा वर्ड को एक साथ मिक्स्ड कर रहा है जिसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, जैसे ऐसे बोल सकते मे संडे तुम एंड नॉट ईयर्स एंड अमी मैंने तुमको कभी, तो ये कितना सारा वर्ड उसको मिक्स्ड कर दिया और इतना सारा वर्ड जो मिक्स्ड करके वो बोल रहा है इसका कोई सेंटेंस ही नहीं बन पा रहा है, कोई ग्रामर नहीं है, कोई सेंटेंस नहीं है, मतलब पूरा मिक्स्ड कर दिया, सलाद बना दिया सब कुछ का जिसका कोई मीनिंग नहीं हो रहा है, तो इस तरह से कोई जो बात बोल रहा है जो वर्ड बोल रहा है कोई वर्ड सलाड तो नहीं बना लिया उसने, वो हमको चेक करना है। उसके बाद हमको पेशेंट का एम्बिवेलेंस चेक करना है, एम्बिवेलेंस मतलब पेशेंट का एक सिचुएशन सेम सिचुएशन के प्रति दो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज है कि नहीं वो देखना है, जैसे कि अगर पेशेंट बोलता है मुझे तो मेरे मम्मी बहुत ज्यादा पसंद है पर वो जो डांटते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तब से मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब मम्मी को पसंद भी है और जब डांटते हैं उसको अच्छा भी नहीं लगता, मतलब एक ही मम्मी को मतलब दो ऑपोजिट कंट्राडिक्टरी उसका आइडिया हो गया, ठीक है, तो एम्बिवेलेंस है कि नहीं वो चीज़ हम देखेंगे। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि उसको परसिवरेंस है कि नहीं, परसिवरेशन मतलब जो भी क्वेश्चन हम पूछते हैं सेम ही आंसर वो रिपीटेडली हमको देंगे, अगर मान लीजिए मैंने उसको पूछ लिया कि बताइए जरा आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो वो बोलेगा पूजा, आपका घर में कौन कौन रहता है, पूजा, आपने सुबह क्या नाश्ता किया, पूजा, आप कहाँ से आए हो, पूजा, आप कहाँ पे जा रहे हो, पूजा, मतलब जो भी परसिस्टेंट रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड और फ्रेज और सेंटेंस रिपीटेडली उसको हम बोलते हैं परसिवरेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे थॉट का कंटेंट लेवल, कंटेंट लेवल में जो मेन चीज हम एसेस करेंगे वो है डिल्यूशन, डिल्यूशन मतलब क्या है, डिल्यूशन मतलब होता है फॉल्स फिक्स्ड अनशेकेबल बिलीफ, मतलब ऐसा बिलीफ पेशेंट का जो फॉल्स होगा बिल्कुल सही नहीं होगा पर पेशेंट को वो बिलीफ फिक्स्ड रहेगा कि वो जो सोच रहा है वो सही है, हम लोग उसका वो बिलीफ ऐसे बिलीफ को तोड़ नहीं सकते, अगर वो बोलता है मैं राजा हूँ तो हमको मानना पड़ेगा इस तरह का है कि वो राजा है, तो उसका जो ये फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ है वो फिक्स्ड रहेगा, ठीक है वो फॉल्स है पर फिक्स्ड रहेगा, बाहर से कोई आके उसका बिलीफ तोड़ नहीं सकता, तो इसको हम बोलते हैं डिल्यूशन। अभी किस किस तरह का डिल्यूशन पेशेंट में दिखाई देगा, जैसे मान लीजिए डिल्यूशन का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकता है, जैसे कि डिल्यूशन ऑफ पर्सिक्यूशन मतलब पेशेंट जो है उसको बहुत सस्पिशियसनेस फील होगा कि उसकी फैमिली मेंबर या तो उसका स्पाउस या तो इसका जो रिलेटिव्स है उसका कोई कुछ हार्म करने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे लगा हुआ है, उसको जहर देने की कोशिश कर रहा है, उसको बाहर से उसको मारने की कोशिश कर रहा है, इस तरह का सस्पिशियसनेस वो फील करेगा उसका नियर रिलेटिव या तो फ्रेंड या तो स्पाउस उन लोगों के ऊपर, तो मेनली ये पैरानोइड्स
स्किजोफ्रेनिया का फीचर्स होता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिल्यूशन होता है, जैसे कि उसको डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस हो सकता है, जैसे कि पेशेंट को हमेशा ऐसा लगेगा कि अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो उसको ऐसा लगेगा यार पक्का ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है, तो इस तरह से डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस हो सकता है। मतलब सही है कि उसके बारे में पता भी नहीं है, जब मान लीजिए दो लोग बात कर रहे हैं तो वो लोग ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहे हैं और पेशेंट इधर से गुजर रहा है, पर उसको ऐसा लगेगा कि ये लोग, ये जो दो लोग हैं ना वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, पक्का मेरी बुराई कर रहे हैं। ठीक है, असल में वो जो दो लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं उसको पता भी नहीं है, उसको देखा भी नहीं, पर उसको ये फील होना शुरू हो जाएगा, उसको ये फॉल्स फिक्स्ड बिलीव होना शुरू हो जाएगा कि वो लोग उसी के बारे में उल्टा सीधा बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिल्यूशन जो है वो है डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। तो डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी जो है इसमें पेशेंट अपने आप को बहुत बड़ा पावरफुल मानना शुरू कर देगा, जैसे कि वो बोलेगा मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं जो बोलती हूँ वही करना पड़ता है, मतलब अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने लगता है, वो ऐसा समझता है कि उसके उसके हाथ में बहुत ज्यादा पावर है। तो इस तरह का जो डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है वो मेनली मेनिया पेशेंट में दिखाई देता है। नेक्स्ट डिल्यूशन ऑफ डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल दिखाई दे सकता है। कंट्रोल मतलब यहाँ पे पेशेंट को ऐसा फील होगा कि उसका जो सोचने का ढंग है, वो जो कर रहा है, वो जो बोल रहा है, वो सब बाहर से कोई कंट्रोल कर रहा है, वो खुद नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेशेंट बैठा है और अचानक से बहुत जोर से उसने एक चीख दे दिया, चीखना शुरू कर दिया, तो अगर हमने बोल दिया भाई आप चीख क्यों रहे हो अभी तो ठीक ठाक है, तो बोला यकीन मानिए मैं नहीं चीख रही हूँ, ऐसा लग रहा है बाहर से कोई मेरी गला दबा रहा है और बोल रहा है चीखो चीखो इसलिए मैं चीख रही हूँ, ऐसा है कि बाहर से रिमोट से मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, मैं खुद नहीं हूँ, मुझे कोई कंट्रोल किया जा रहा है, तो इस तरह से डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल होता है। नेक्स्ट होता है कि हाइपोकॉन्ड्रिकल डिल्यूशन। हाइपोकॉन्ड्रिकल डिल्यूशन में पेशेंट को ये फील होगा कि कोई भी छोटा सा भी कुछ हो गया तो उसको ऐसा फील होगा कि कुछ बड़ा हो गया। ठीक है, प्री ऑक्यूपेशन ऐसा होता है कि उसको बहुत बड़ा कुछ हो गया, जैसे पेशेंट का अगर सिंपल सा पिंपल भी आ गया ना तो वो ये सोचेगा कि उसको ट्यूमर हो गया, तो वो क्या करेगा, उसका जो शक है वो दूर करने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर के पास जाएगा और सारा जांच करवाएगा, पर जांच का रिपोर्ट जब नॉर्मल भी आएगा तब भी वो यकीन करने के लिए राजी नहीं होगा कि उसको यह पिंपल है, वो बोलेगा डॉक्टर गलत है, तो फिर दूसरा डॉक्टर के पास चला जाएगा। इस तरह का होता है हाइपोकॉन्ड्रिकल डिल्यूशन। नेक्स्ट होता है निहिलिस्टिक डिल्यूशन। निहिलिस्टिक डिल्यूशन में क्या होगा, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसका बॉडी का कोई पार्ट मिसिंग है, या तो फिर उसका सामने उसका लव्ड वन कोई है नहीं, उसका बहन सामने बैठा होगा बोलेगा ये कौन है, ये मुझे तो नहीं पहचानती ये कौन है। पेशेंट खाना खा रहा होगा, उसका राइट हैंड ठीक ठाक है, वो बाएं हाथ से खाना खा रहा होता होगा, तो अगर हम अपने पेशेंट से पूछ लिया भाई आप बाएं हाथ से क्यों खा रहे, बोले मेरा राइट हैंड तो है ही नहीं, एक्सीडेंट में कट हो गया, एक्चुअली है पर उसका ये बिलीफ है कि उसका राइट हैंड कट हो गया, तो इस तरह का होता है जो होता है निहिलिस्टिक डिल्यूशन। तो और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डिल्यूशंस होता है, मैंने डिल्यूशन डिसऑर्डर जो है अपने साइकोपैथोलॉजी का जो कंटेंट मैंने दिया है उसमें मतलब पूरा मतलब टोटल मैंने बोला है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां पे जाके देख सकते हो। नेक्स्ट हम कंटेंट में चेक कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज, कुछ भी आइडियाज आ रहा है थॉट में, जैसे कि कोई भी आइडियाज, जैसे कि कोई भी नेगेटिव थॉट्स आ रहा है कि नहीं, जैसे कि पेशेंट कुछ भी वर्थलेस फील कर रहा है कि नहीं, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस या तो होपलेसनेस, इस तरह का कोई नेगेटिव थॉट्स उसके मन में आ रहा है कि नहीं, पेशेंट गिल्ट फील कर रहा है कि नहीं, पेशेंट के मन में कोई भी सुइसाइडल आइडिएशंस आ रहा है कि नहीं, वो सारे चीज हम चेक करेंगे। मेनली ये सारा जो आइडियाज होता है ना वो डिप्रेशन की जो पेशेंट होता है उन लोगों में आता है। नेक्स्ट हम कंटेंट में चेक करेंगे कि पेशेंट का कुछ भी थॉट एलिएशन एलिनेशन फिनोमिनास है कि नहीं, जैसे कि पेशेंट कभी कभी बोलता है कि मेरे दिमाग में जो थॉट चल रहा है वो पता नहीं किसी ने जबरदस्ती इंसर्शन करके दे दिया है, इसको हम थॉट इंसर्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे दिमाग में हमेशा पता नहीं क्या क्या चीज़ें घूमते रहे, तो यकीन मानिए ये थॉट मेरा नहीं है, ये बाहर से किसी ने जबरदस्ती मेरे दिमाग में घुसा के दिया है, तो इसको हम थॉट इंसर्शन बोलते हैं। नेक्स्ट चेक करेंगे कि थॉट विथड्रॉल है कि नहीं। थॉट विथड्रॉल में यह होता है पेशेंट को ऐसा लगता है वो जो सोच रहा है उसका जो थॉट है वो
कोई चोरी करके ले गया उसके दिमाग से। और कभी कभी तो थॉट ब्रॉडकास्ट भी दिखाई देता है। थॉट ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए पेशेंट जो सोचता है वो किसी ने अगर बोल दिया तो वो बोलेगा मेरे दिमाग से मेरा थॉट किसी ने चुरा लिया और उसके बाद टीवी में या तो रेडियो में ब्रॉडकास्ट कर लिया। मान लीजिए पेशेंट अभी सोच रहा होता कि अगर अभी COVID-19 चल रहा है, केसेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो कल गवर्नमेंट की तरफ से फुल लॉकडाउन हो जाएगा, और तभी के तभी टीवी में ये अनाउंस हो गया कि कल से 21 डेज का फुल लॉकडाउन है। तो अभी जिस पेशेंट को थॉट ब्रॉडकास्टिंग का प्रॉब्लम है, वो पेशेंट पक्का ये यकीन कर लेगा कि ये बंदा जो टीवी पे बोल रहा है पक्का मेरे अंदर घुसा, मेरा थॉट को चुराया और टीवी में ब्रॉडकास्ट कर दिया। तो इस तरह का होता है थॉट ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट, ऑब्सेशनल थॉट्स या तो ऑब्सेशनल फिनोमिनल कुछ हो सकता है, जैसे कि ऑब्सेशनल थॉट में क्या होता है, बहुत गंदा सा थॉट आना शुरू होता है दिमाग में, कंटिन्यूअस दिन भर बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स, गंदा सा थॉट आना शुरू हो जाता है कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया मेरे घर वालों के साथ, कहीं किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, पूरा दिन चलता रहता है। या तो फिर कुछ ऑब्सेशनल इमेजेस, गंदा जैसे कि नेकेड इमेजेस वगैरह कुछ तो नहीं आ रहा है। ऑब्सेशनल डाउट, मतलब जो ऑब्सेशन में होता है, जैसे कि कहीं मैंने गैस तो नहीं खुला छोड़ दिया, कहीं मैंने घर लॉक नहीं किया, ऐसा तो नहीं है ना, इस तरह का डाउट्स जो है वो आता रहता है। नेक्स्ट, फोबियाज भी हो सकता है। फोबियाज मतलब इरेशनल फियर, जैसे कि मान लीजिए पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक चीज से फियर, जैसे कि चूहा से डर, ब्लड से डर, इस तरह का कुछ फोबिया तो नहीं है, या कोई प्री ऑक्यूपेशंस तो नहीं है, जैसे कि ऑटिस्टिक पेशेंट जो होता है वो लोग कुछ अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, तो इस तरह का कोई अपनी ही दुनिया में खुद में खोया हुआ ऐसा कोई थॉट्स तो नहीं हो रहा है। तो ये सारा चीज जो अभी मैंने बोला सब हमको थॉट में क्या करना है, थॉट में ऑब्जर्व करना है, ठीक है। उसके बाद हमको इम्प्रेशन लिखना है कि क्या क्या मतलब पेशेंट में है, क्या क्या नहीं है, ठीक है, उसकी बेसिस पे। नेक्स्ट हमको देखना है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब क्या है, परसेप्शन मतलब जो स्टिमुलाई होता है, जो हमारे चारों तरफ का स्टिमुलाई होता है, उसको अगर हम कुछ मीनिंग दे देते हैं तो उसको हम परसेप्शन बोलते हैं। मेनली परसेप्शनल एरर जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है इल्यूशन, दूसरा होता है हेलुसिनेशन। तो इल्यूशन मतलब क्या है, इल्यूशन मतलब फॉल्स परसेप्शन विथ प्रेजेंट ऑफ स्टिमुलाई, ठीक है। मान लीजिए रात को हम लोग घर में बैठे और अचानक से किसी ने दर्जा कॉलिंग बेल प्रेस किया, हमने दरवाजा खोला और अचानक से हमने हमारे दरवाजे के बाहर जो किया है एक ऐसा रस्सी गिरा हुआ था, और हम ऐसे बहुत दरवाजा खुल के हम लोगों ने क्या किया, रस्सी को देखा और बहुत जोर से चीख लगाया। क्यों? क्योंकि हमने रस्सी को गलत इंटरप्रेट किया, हमको रस्सी को समझा कि सांप है, ठीक है। इस तरह से एक स्टिमुलाई प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे रस्सी प्रेजेंट है और इस रस्सी को हम क्या कर रहे हैं, गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम इल्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है। इल्यूशन में क्या होता है, फॉल्स परसेप्शन विद प्रेजेंट ऑफ स्टिमुलाई, मतलब हमेशा याद रखना यहां पे स्टिमुलाई प्रेजेंट होगा और उस स्टिमुलाई को हम गलत समझेंगे, मिस परसीव करेंगे। जैसे यहां पे मैंने एक पिक्चर डाला है, सबको दिखाई दे रहा है ये पिक्चर, तो ये पिक्चर में आप सबको क्या दिखाई दे रहा है कि ये पिक्चर जो है वो कंटिन्यूअस मूव कर रहा है, ठीक है। क्या असल में ये पिक्चर मूव हो रहा है? नहीं हो रहा है बाबा, ये एक स्टिल पिक्चर है, पर ये हमारा आंखों का इल्यूशन है, ठीक है। ये एक पिक्चर है जो स्टिमुलाई, इसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं, जो पिक्चर है इस प्रेजेंट है, बट इसको हम गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये मूव हो रहा है, एक्चुअली ये स्टिल है, तो इस चीज को हम बोलते हैं इल्यूशन। नेक्स्ट हो गया हमारा हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मतलब फॉल्स परसेप्शन विदाउट प्रेजेंट ऑफ स्टिमुलाई, यहाँ पे कोई भी स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होगा फिर भी हम लोग फॉल्स परसेप्शन कर लेंगे। तो हेलुसिनेशन हमेशा याद रखना 5 टाइप्स का होता है। हमारा जो 5 सेंसेस होता है, आईज, नोज, ईयर, टंग और जो स्किन, ये जो 5 सेंसेस होता है, ये 5 सेंसेस के थ्रू हमारा 5 टाइप्स का हेलुसिनेशन होता है। तो देखते हैं क्या क्या होता है।
ऑडिटोरी, विजुअल, ऑल्फैक्टरी, गैस्टेटरी एंड टैक्टाइल। ऑडिटोरी हेलुसिनेशन में क्या होता है? ऑडिटोरी हेलुसिनेशन में ऐसा होता है कि कुछ भी आवाज़ नहीं होता, पर हमेशा कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे कानों में कुछ आवाज़ें चल रहा है, कुछ आवाज़ें आ रहा है। जैसे कभी कभी नॉर्मल इंसान को भी हो जाता है, जैसे कि अचानक से ऐसे रास्ते से जा रही हो, ऐसे लग रहा है कोई मेरे नाम से मुझे पुकार रहा है, ऐसे मुझे फील हो रहा है मेरे नाम से कोई बुला रहा है, ऐसे लगता है कि घर में बैठी हूँ, मेरे सामने मोबाइल पड़ा हुआ है, पर ऐसा लग रहा है कि मेरा मोबाइल अभी अभी रिंग हुआ है। तो इस तरह का कोई भी मतलब स्टिमुलस नहीं होता, फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ आवाजें आ रहा है, कोई उसके साथ बात कर रहा है, कुछ आवाजें आ रहा है, ठीक है। कानों में कुछ आवाजें चलता रहता है, कुछ ऐसा लगता है कोई मेरे साथ बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऑडिटोरी हेलुसिनेशन बोलते हैं। विजुअल हेलुसिनेशन में क्या होता है? वो आंखों का होता है, मतलब हमारे सामने कोई नहीं होता, एक्चुअली प्रेजेंट कोई नहीं होता, पर भी हमको ऐसा फील होता है कि हमारे सामने कोई है, लिटरली हम उसके साथ बात करते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे सामने वो इंसान खड़ा है और हम उसके साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, पर एक्चुअली में वो इंसान नहीं होता है। आप सब ने मुन्ना भाई MBBS का जो सेकंड पार्ट है कि लगे रहो मुन्ना भाई, आप लोगों ने देखा होगा, इसमें क्या होता है, संजय दत्त को गांधी जी दिखाई देता है, ठीक है। क्या एक्चुअल में गांधी जी दिखाई दे सकता है? नहीं, ये जो था ये विजुअल हेलुसिनेशन था, ठीक है। एक्चुअली में गांधी जी नहीं था, पर संजय दत्त को गांधी जी दिखाई देता था, ये होता है विजुअल हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन में क्या होता है? ये स्मेल का मिसपरसेप्शन होता है, जैसे कुछ भी स्मेल नहीं होता, पर पेशेंट को ऐसा फील होता है कि बहुत गंदा सा स्मेल फील आ रहा है, यहाँ पे बहुत गंदा स्मेल हो रहा है, इस तरह का फील होता है। नेक्स्ट है गैस्टेटरी हेलुसिनेशन। ये टेस्ट का होता है कि जैसे मान लीजिए दो लोग खा रहा है, अच्छा सा खाना है, बहुत अच्छा टेस्टफुल है, खा रहा है, पर जिसको गैस्टेटरी हेलुसिनेशन है उसको लगेगा खाने में बहुत गंदा है, नमक ज़्यादा हो गया है, या तो तीखा हो गया, कुछ हो गया, कुछ तो कुछ प्रॉब्लम है, उसको मिस इंटरप्रिट हो जाएगा खाने में, मिस परसेप्शन हो जाएगा। टेक्टाइल हेलुसिनेशन में क्या होगा? उसको ऐसे फील होगा उसका स्किन में कुछ ऐसा चल रहा है। तो अक्सर साइकेट्रिक जो पेशेंट है हमको दिखाई देता है ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा करते, कभी आप लोगों ने भी देखा होगा ऐसे ऐसे कर रहा है, तो उसको ऐसा फील होता है, ऐसा सेंसेशन होता है कि उसके बॉडी में से कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ टच हो रहा है उसकी बॉडी में, असल में कुछ नहीं हो रहा है, उसको सिर्फ एक फॉल्स सेंसेशन फील हो रहा है, जिसको हम मिस परसेप्शन बोलता है, जिसको हम टैक्टाइल हेलुसिनेशन बोलते हैं। तो इस तरह का 5 हेलुसिनेशन हो सकता है पेशेंट में। जो मेनली जो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन होता है वो होता है हमारा ऑडिटोरी और विजुअल हेलुसिनेशन। नेक्स्ट डिजावू या तो जमाइजू भी हो सकता है। डिजावू मतलब एक सिचुएशन, जैसे कि मान लीजिए कभी भी कोई सिचुएशन, या तो किसी को देखते हैं तो हमको कभी कभी ऐसा फील होता है यार कहीं तो आपको देखा है, मतलब ऐसा लगता है कि पहले भी उस सिचुएशन से हम गुजर गए हैं, ठीक है, थीके? या तो फिर ये जगह कहीं नया जगह पे आई है, मान लो कभी नहीं गया उस जगह पे, फिर भी अगर इसको डिजावू है तो वो ऐसे मानेगा कि यार ये जगह मेरा बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है, ये आदमी मेरा बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है, भले ही वो पहले बार आपके सामने आए हो, पर आपका फेस ना बहुत पहचान का लग रहा है मुझे, ठीक है। तो इसको हम डिजावू बोलते हैं, मतलब पहले बार हो रहा है फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले भी कभी इस चीज़ को फेस कर लिया। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है जमाइजू। जमाइजू में क्या होता है? हम रोज देखते हैं, अक्सर देखते हैं वो सारी चीज़ और ऐसा लगता है यार मैंने तो कभी देखा ही नहीं, मैं रोज कॉलेज जाती हूँ और कॉलेज के गेट में ये पोस्टर देखती हूँ। तो जमाइजू जिसका है, अचानक से एक दिन जाके बोल रहा है ये पोस्टर कब लगा यहाँ पे, मैंने तो देखा ही नहीं है पोस्टर कभी। तो अक्सर देखता है, रोज देखता है पोस्टर, पर उसको जमाइजू हो तो वो सिचुएशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, उसको लगता है ये नया आज ही देखा है, ठीक है। नेक्स्ट डी पर्सनलाइजेशन। डी रियलाइजेशन में ऐसा फील होता है डी पर्सनलाइजेशन में कि उसका जो कुछ पार्ट है बॉडी का, उसका जो सारा वर्ल्ड है वो रियल नहीं है, ठीक है, उसका जो मतलब कुछ भी है उसके आसपास जो चीज़ चल रहा है वो सारे चीज़ फेक है, रियल नहीं है, वो असल में है ही नहीं। तो इस तरह का चीज़ हम परसेप्शन में देखेंगे। तो मेनली परसेप्शनल डिसऑर्डर में अगर हम बोलेंगे तो दो ही होता है, वो है इल्यूशन एंड हेलुसिनेशन। नेक्स्ट हम आ जाएंगे कॉग्निटिव फंक्शन में, इसको हम न्यूरोसाइकेट्रिक असेसमेंट में बोलते हैं। तो कॉग्निटिव फंक्शन में हम लोग क्या क्या चेक करेंगे?
पहले हम चेक करेंगे पेशेंट का कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में हम चेक करेंगे कि पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं, मतलब फुल्ली अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट है कि नहीं। जैसे कि अभी मैं कॉन्शियस हूँ, अभी आप लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो आप लोग कॉन्शियस हो, तो अभी आप लोग पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं वो देखेंगे। या तो फिर क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस है कि नहीं, मतलब कुछ धुंधला सा है कि नहीं, मैं कंफ्यूज सा हूँ, थोड़ा क्लाउडीनेस हो रहा है कि नहीं। या तो पेशेंट कोमाटोज्ड है, कोमा में चला गया है, वो कॉन्शियसनेस का लेवल चेक करना है। नेक्स्ट हमको चेक करना है पेशेंट का ओरिएंटेशन पैटर्न। अभी ओरिएंटेशन में हम तीन चीज चेक करते हैं, ठीक है। पहला तो होता है ओरिएंटेशन टू टाइम, सेकंड ओरिएंटेशन टू प्लेस, एंड थर्ड ओरिएंटेशन टू पर्सन। तो हम ओरिएंटेशन टू टाइम किस तरह से चेंज करेंगे, चेक करेंगे, इसके लिए हमको पेशेंट को कुछ क्वेश्चन को करना पड़ेगा, कुछ सवाल करना पड़ेगा। और उस सवाल का अगर वो पेशेंट सही तरह से मतलब आंसर दे देता है तो हम बोलेंगे कि उसका ओरिएंटेशन सही। तो देखते हैं टाइम के लिए हम क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। टाइम के लिए हम बोल सकते हैं कि हम पेशेंट को घड़ी दिखा के बोल सकते हैं, क्या आप बता सकते हो कि अभी कौन सा टाइम है, क्या टाइम है। अगर पेशेंट ने आंसर सही दे दिया तो मतलब ओरिएंटेशन टाइम इज इंटैक्ट। अगर पेशेंट को हम ये भी पूछ सकते हैं आज कौन सा डेट है, ठीक है। अगर पेशेंट को घड़ी देखना नहीं आता है तो हम ये भी पूछ सकते हैं अभी क्या है, अभी दिन है या रात है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है, वो सारी चीज़ हम ओरिएंटेशन टू टाइम में पूछ सकते हैं। अगर सही सही आंसर दे दिया तो मतलब क्या है, पेशेंट का जो ओरिएंटेशन ऑफ टाइम है वो इंटैक्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे पेशेंट का ओरिएंटेशन टू प्लेस। तो ओरिएंटेशन ऑफ प्लेस में हम क्या पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं अभी आप कहाँ पे हो, वेयर आर यू नाउ, अभी आप कहाँ पे हो। तो अगर पेशेंट ने सही सही आंसर दे दिया कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, या तो फिर मैं अभी घर पे हूँ, जो भी है जहाँ पे भी है, अगर वो आंसर सही हो गया तो उसका ओरिएंटेशन टू प्लेस इज करेक्ट, इंटैक्ट। नेक्स्ट हम ओरिएंटेशन टू पर्सन में पूछ सकते हैं, किसी भी पर्सन को पॉइंट आउट करके, जैसे कि मुझे पॉइंट आउट करके मैं पूछ सकती हूँ, क्या बोल सकते हो, हु एम आई, मैं कौन हूँ। अगर वो बोल देता है कि हाँ आप ये हो, ठीक है, या तो फिर हॉस्पिटल में नर्स को दिखा के बोल सकते हैं कि ये पता है कौन है, या तो फिर उसके अगर कोई भी रिलेटिव सामने है तो उसको दिखा के हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो उसको, मम्मी के दिखा के अगर बोलते कि आपको पता है ये इंसान कौन है, तो बोल देता है कि वो मेरा मम्मी है, वो मेरा बहन है। अगर सही आंसर दे देता है तो हम बोल सकते हैं कि उसकी ओरिएंटेशन टू पर्सन जो है वो इंटैक्ट है। तो इस तरह से हम पेशेंट को ओरिएंटेशन का टाइम, प्लेस एंड पर्सन कुछ सवाल पूछ के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पेशेंट का अटेंशन लेवल जो है वो चेक करेंगे। तो अटेंशन लेवल में हम चेक करेंगे कि जो पेशेंट का जो अटेंशन है वो नॉर्मली है या बहुत डिफिकल्ट ही मतलब फेस कर रहा है वो अटेंशन लेने में, वो चीज़ हम चेक करेंगे, ठीक है। तो अटेंशन चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पेशेंट को बोल सकते हैं आप हमें 1 से 10 तक सीधा और उसके बाद 10 से 1 तक उल्टा बोल दीजिए, ठीक है। तो अगर पेशेंट अच्छे से 1 से 10 तक का सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से पूरा ठीक ठाक बोल देते तो हम बोल सकते हैं कि पेशेंट का जो अटेंशन लेवल है वो नॉर्मल है। अगर बीच में कहीं गलत हो गया या तो फिर कहीं रुक गया, 2-3 गलत हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि जो अटेंशन लेवल है वो पार्शियली इंटैक्ट है। अगर पूरा ही गलत है तो टोटली इम्पेयर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे पेशेंट का कंसेंट्रेशन लेवल। कंसेंट्रेशन मतलब हम कंटिन्यूसली किसी चीज़ पे कितना देर तक अटेंड कर सकते हैं, अटेंशन दे सकते हैं। तो हम देखेंगे उसका जो कंसेंट्रेशन लेवल है वो नॉर्मली है कि नहीं, या तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कंसेंट्रेट करने में किसी चीज़ में, या तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेबल हो रहा है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कंसेंट्रेशन चेक करने के लिए, पेशेंट को कुछ भी हम जैसे सब्सट्रैक्शन दे सकते हैं या तो एडिशन दे सकते हैं, ठीक है। पर जो भी देना है मिनिमम 4-5 तक हमको करवाना है। जैसे हम पेशेंट को बोल सकते हैं आप बोल दो कि 100+5 कितना है, उसके बाद 40+4 कितना है, 37+2 कितना है, 24+6 कितना है, 65+8 कितना है। इस तरह से कोई भी हम यहाँ पे एडिशन बोला, आप सब्सट्रैक्शन भी बोल सकते हो। और अगर सही सही पाँचों का आंसर या तो चारों का जितना भी
बोल रहे हो, सही आंसर आ गया तो मतलब उसका कंसंट्रेशन जो है इंटैक्ट है, अगर एक दो गलत हो गया तो पार्शियली इम्पेयर्ड है, ठीक है, अगर सारा गलत आ गया तो टोटली इम्पेयर्ड बोलना है, ठीक है। उसके बाद हमको पेशेंट का मेमोरी चेक करना है। तो मेमोरी जो है, मेमोरी मेनली थ्री टाइप्स का होता है, एक होता है इमीडिएट मेमोरी, एक होता है रिसेंट मेमोरी और दूसरा तीसरा होता है रिमोट मेमोरी। तो इमीडिएट मेमोरी में हम क्या चेक कर सकते हैं, इमीडिएट मेमोरी मतलब अभी हमने कुछ बोला उसके बाद एक दो सेकेंड या तो चार पांच सेकेंड के बाद हम बोल सकते कि अभी जो मैंने आपको बताया कि आप रिपीट कर सकते हो वो चीज क्या है। जैसे मैंने पेशेंट को अभी बोल दिया, अब मैंने अभी आपके सामने चार चीज का नाम बताऊंगी, आपको थोड़ी देर बाद वो चारों चीज मुझे रिपीटली बोलना पड़ेगा। जैसे मैंने पेशेंट को बोल दिया, आप याद रखो कि ट्री कार लेक स्काई, मैंने चार चीजों का नाम बोला, ठीक है, आपने सुन लिया, ठीक है। अभी चार पांच सेकेंड या तो एक दो मिनट बाद मैंने फिर से पेशेंट को बोला, अभी आप बताइए मैंने जो चार चीज का नाम बोला वो चारों चीज क्या है। अगर पेशेंट वो चारों चीज अच्छे से बोल पा रहा है तो मतलब उसका जो इमीडिएट मेमोरी है वो इंटैक्ट है, अगर नहीं बोल पा रहा है तो मतलब इम्पेयर्ड है। नेक्स्ट हमको उसका रिसेंट मेमोरी चेक करना है, ठीक है। तो रिसेंट मेमोरी में हम क्या चेक कर सकते हैं, जैसे पिछले सात दिन का, पाँच से सात दिन पुराना जो मेमोरी है, पिछले लास्ट फाइव टू सेवन डेज का जो कुछ भी सिचुएशन हम पूछ सकते हैं, कुछ भी चीज़ हम पूछ सकते हैं। जैसे हम पूछ सकते हैं कि व्हाट यू हैड इन ब्रेकफास्ट टुडे, आज सुबह आपने क्या खाया, या तो फिर कल रात को डिनर में आपने क्या खाया था, या तो फिर परसों आपके घर से कौन आया था हॉस्पिटल में आपसे मिलने के लिए। तो कोई भी चीज़ जो फाइव टू सेवन डेज पीछे का हो, हम रिसेंट हुआ है एकदम रिसेंटली, वो चीज़ पूछ सकते हैं। अगर वो सही सही जवाब दे रहा है तो मतलब उसका जो रिसेंट मेमोरी है वो बहुत इंटैक्ट है। नेक्स्ट रिमोट मेमोरी, रिमोट मेमोरी मतलब बहुत पुराना कुछ मेमोरी, ठीक है, उसके लाइफ का 10 साल 15 साल 20 साल इससे भी ज़्यादा हो सकता है पुराना कोई मेमोरी हम पूछ सकते हैं। जैसे हम पेशेंट को पूछ सकते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ कब है, अगर वो शादीशुदा है तो आपका शादी कब हुआ था, कौन सी साल में हुआ था, या तो फिर आपका सालगिरह कब है शादी का, या तो फिर आपका पहला बच्चा का, अगर बच्चा है तो हम पूछ सकते हैं आपका जो बच्चा का बर्थडे है तो कब है। तो इस तरह का रिमोट का कोई मेमोरी हम उससे पूछ सकते हैं, अगर सही आंसर आ रहा है तो मतलब क्या है, उसका रिमोट मेमोरी इंटैक्ट है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसका इंटेलिजेंट लेवल जो है वो चेक करेंगे। अभी इंटेलिजेंस लेवल हम चेक करेंगे किस तरह से, हम जनरल नॉलेज का कोई भी क्वेश्चन पेशेंट से पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर ये जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन है वो पेशेंट का एडुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना है उसके ऊपर बेस करके हम पूछेंगे। मान लीजिए किसी का एडुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छा है तो हम थोड़ा उसके हिसाब से भी जनरल नॉलेज पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम पूछ सकते हैं कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो अगर पेशेंट ने सही आंसर दे दिया मतलब उसका जनरल नॉलेज ठीक है और उसका इंटेलिजेंट जो कैपेबिलिटी है वो ठीक है। नेक्स्ट हम एरिथमेटिक कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं बेस्ड ऑन हिज एकेडमिक क्वालिफिकेशन। जैसे कि हम कुछ सिंपल कैलकुलेशन पूछ सकते हैं कि हम एडिशन पूछ सकते हैं 14 प्लस 17 कितना हो सकता है, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं 43 माइनस 38 क्या हो सकता है, क्या कितना होगा, कोई भी मल्टीप्लीकेशन दे सकते हैं कि 4 इंटू 7 कितना हो सकता है, डिविजन दे सकते हैं 12 बाई 4 कितना है। तो ये जो चीज़ है वो पेशेंट की एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है उसके ऊपर बेस करके हमको पूछना है। अगर सही आंसर आ रहा है मतलब इंटेलिजेंस इंटैक्ट है, अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है गलत आंसर दे रहा है मतलब जो इंटेलिजेंट लेवल है वो क्या है, इम्पेयर्ड है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, एब्स्ट्रैक्शन चेक करना है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पैटर्न क्या है उसका वो चेक करना है। तो एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या चेक करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कोई भी प्रोवर्ब दे देंगे और उसके बाद हम बोलेंगे कोई इस प्रोवर्ब का मीनिंग, इनर मीनिंग क्या है हम पूछ सकते हैं। जैसे हम बोल दिया कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ठीक है, ये एक प्रोवर्ब है तो इसका अंदर वाला एक्चुअल मीनिंग एक है हम सबको पता है, तो पेशेंट को वो मीनिंग आइडेंटिफाई कर सकता है कि नहीं वो चीज हमको देखना है। तो अगर पेशेंट बोल देता है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नाइन का एक्चुअल मीनिंग क्या है तो ये है कि उसका जो इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोवर्ब का जो कैपेबिलिटी है वो इंटैक्ट है। यहाँ पे मैंने ये प्रोवर्ब डाला है, अपने हिसाब से कोई भी प्रोवर्ब डाल सकते हो, ठीक है। और एक चीज है, ये कंपलसरी नहीं है कि आप अंग्रेजी में इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछो, क्योंकि पेशेंट का जो मदर टंग है जिससे वो पेशेंट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगा, आपको
प्रेफरेबल है उसी लैंग्वेज में ही क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो जिस लैंग्वेज में पेशेंट ज़्यादा कंफर्टेबल है, प्रेफर करता है, उसी लैंग्वेज में आप टोटल फुल MSc कर सकते हो, हिस्ट्री भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपकी लैंग्वेज के हिसाब से हर लैंग्वेज में, हर भाषा में कोई ना कोई प्रभाव होता है, ठीक है। जैसे नाचना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं हम लोग और बोल सकते हैं इसका इनर मीनिंग क्या है। तो अगर पेशेंट इसका जो सही आंसर है वो दे देता है तो उसका मतलब है उसका जो इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोवर्ब है वो नॉर्मल है। नेक्स्ट हम पूछ सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन में कुछ भी सिमिलरिटीज पूछ सकते हैं। जैसे हमने एक पेन और एक पेंसिल लेके पेशेंट को पूछ सकते हैं, क्या आप बता सकते हो कि पेन और पेंसिल में कौन सी जगह में सिमिलरिटी है। तो अगर पेशेंट हर कोई अलग अलग आंसर देगा, आप दूसरे तरह से सिमिलरिटी ढूंढोगी, मेरा नजरिया में सिमिलरिटी अलग होगा। सपोज पेशेंट बोल दिया कि पेन और पेंसिल दोनों से हम लोग लिखते हैं, तो ये एक सिमिलरिटी है। अगर कोई भी सिमिलरिटी मैच हो रहा है कि सही एक सिमिलरिटी है कि पेन और पेंसिल से लिख सकते हैं, ठीक है, तो मतलब क्या है उसका जो ये जो आइडेंटिफाई करने सिमिलरिटी आइडेंटिफाई करने का जो क्वालिटी है वो इंटैक्ट है। नेक्स्ट हम सेम पूछ सकते हैं कि पेन और पेंसिल में डिससिमिलरिटी क्या है, क्या अंतर क्या है, कुछ अंतर बोल सकते हो कि आप। तो अगर पेशेंट बोलता है कि पेन का जो इंक है वो रब नहीं कर सकते और पेंसिल का जो इंक है वो रब हो जाता है, तो ये एक डिससिमिलरिटी एक्चुअल में है। तो अगर इस तरह और पेशेंट बोलता है कि पेन से बड़े लोग लिखते हैं, पेंसिल से छोटे बच्चा लिखते हैं, तो ये भी एक डिससिमिलरिटी है। तो इस तरह का कोई भी डिससिमिलरिटी अगर जो रिलेटेड है पेशेंट बोलता है तो क्या कर सकते हैं, अगर सही बोल रहा है तो उसका ये इंटैक्ट बोल देंगे हम, ठीक है। तो इंप्रेशन लिखेंगे कि जो उसका जो एब्स्ट्रैक्शन थिंकिंग है वो इंटैक्ट है या इंपैक्ट है, उसके बेसिस पे हमको लिखना है। नेक्स्ट हमको चेक करना है पेशेंट का जजमेंट लेवल। जजमेंट लेवल में हमको तीन तरह का जजमेंट चेक करना है। पहला तो हो गया पर्सनल जजमेंट। अभी पर्सनल जजमेंट में हम क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी उसकी फ्यूचर प्लान के बारे में हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि क्या क्वेश्चन, व्हाट इज योर प्लान आफ्टर डिस्चार्ज। मतलब मान लीजिए पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और हम उसको फ्यूचर प्लान पूछ लिए कि आपने हॉस्पिटल से जाने के बाद आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप क्या करना चाहते हो। तो अगर पेशेंट ने बोल दिया कि मैं एक नया बिजनेस करूंगी, या तो मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी, या तो मैं जॉब में ठीक तरह से मतलब कंसेंट्रेट करूंगी, अगर इस तरह का कोई रियलिस्टिक कुछ थिंग्स वो बोल रहा है तो मतलब क्या है उसका जो पर्सनल जजमेंट है तो वो बहुत इंटैक्ट है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ जजमेंट है सोशल जजमेंट। सोशल जजमेंट मतलब उसका सोसाइटी के प्रति, सोसाइटी के लोग के प्रति किस तरह का जजमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग पूछ सकते हैं कि डू यू लाइक टू मिंगल विथ योर नाइबर्स। मतलब आपको क्या पसंद है, आपकी जो घर के आसपास जो नाइबर है उन लोगों से बात करना पसंद है कि नहीं, ठीक है। अगर हाँ बोलता है तो मतलब सोशल जजमेंट उसका इंटैक्ट है। हम दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप जो अभी हॉस्पिटल में हो तो आपके साथ सब बात करते हैं, आप सबके साथ बात करना पसंद करते हो कि नहीं, आपका कोई फ्रेंड है कि नहीं, आपको फ्रेंड बनाना पसंद है कि नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन हम सोशल जजमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जजमेंट। टेस्ट जजमेंट में हम क्या करेंगे, पेशेंट को कोई सिचुएशन दे देंगे और फिर उसके बाद हम उस सिचुएशन में पेशेंट किस तरह से रिएक्ट करता है वो चीज़ एसेस करना है। जैसे हम पेशेंट को बोल रहे कि मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हो और रास्ते पे देखा एक छोटा सा बच्चा मिड रास्ते पे खड़ा हुआ है अकेला और पीछे से गाड़ी आ रहा है, तो इस सिचुएशन में आसपास कोई नहीं है, सिर्फ आप हो और एक बच्चा जो रास्ते के मिडिल में खड़ा है, पीछे से गाड़ी आ रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि वो बच्चा है, और तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे। तो पेशेंट अगर रियलिस्टिक आंसर देता है, जैसे कि मैं भाग के जाऊंगी और बच्चे को रोड से उठा के लेके आ जाऊंगी, उसके बाद पेशेंट बच्चे की मम्मी पापा जो भी है उसके पास मैं दे दूंगी, तो ये जो आंसर इस तरह से अगर आंसर दे रहा है तो मतलब उसका जो टेस्ट जजमेंट है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। अगर ये बोलता है कि ये बच्चा किसका है मुझे नहीं पता, जिसका है रहने दो, मैं जा रही तो मैं जाऊंगी, मेरे को नहीं पता बच्चा किसका है, जिसका है होने दो, मैं तो अपना जा रही थी, मैं अपना जाऊंगी, तो इस तरह से आंसर अगर देता है तो इसका मतलब क्या है, उसका जो टेस्ट जजमेंट है उस सिचुएशन के प्रति वो इम्पेयर्ड है। तो इस तरह से हम लोग जजमेंट टेस्ट कर सकते हैं।
नेक हम क्या करेंगे, इनसाइट चेक करेंगे। इनसाइट मतलब अवेयरनेस अबाउट द डिजीज कंडीशन, कि पेशेंट को जो मेंटल प्रॉब्लम हो रहा है तो जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में आया है, तो वो इस चीज़ को लेके अवेयर है कि नहीं, कि उसको मेंटल प्रॉब्लम है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको पता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या इलनेस है, या तो फिर आप क्यों हॉस्पिटल में आए हो पता है कि नहीं। तो कई कई पेशेंट को क्या होता है, बिल्कुल मना कर देता है, ठीक है, बिल्कुल डिनाई कर देता है कि अरे भाई मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे जबरदस्ती यहाँ पे लेके आया गया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कंप्लीट डिनाई कर देते कि उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसको ऐसा वो ऐसा बोलते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जबरदस्ती पकड़ के यहाँ पे लेके आ गया है। तो मतलब क्या है, उसको टोटली इनसाइट एब्सेंट है, उसको टोटली अनअवेयर है कि उसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। तो जो इनसाइट है उसको हम सिक्स ग्रेड में बोलते हैं। अगर कोई टोटली डिनाई कर देता है कि उसको कुछ भी इलनेस नहीं है, वो टोटली ठीक है, तो हमको इसको ग्रेड वन में रखते। अगर पेशेंट बोलता है, पेशेंट को बोलते हैं मैं थोड़ा बीमार हूँ, थोड़ा थोड़ा सिक हूँ वो पता है, पर क्या है पता नहीं, तो उसको हम ग्रेड टू में बोलते हैं। अगर पेशेंट बोलता है कि हाँ मैं थोड़ा बीमार हूँ, मतलब थोड़ा फिजिकली मुझे नींद नहीं आता है, कभी कभी मतलब मेरा शरीर में थोड़ा दर्द होता है, ऐसे कुछ फिजिकल सिम्टम्स के बारे में अगर बोलता है तो उसका ग्रेड थ्री बोलते हैं हम। अगर पेशेंट बोलता है कि हाँ मैं बीमार हूँ पर क्या हुआ पता नहीं, ठीक है, समथिंग अननोन हैपन टू मी, मतलब मुझे क्या हुआ पता नहीं पर मुझे बीमारी तो है वो पता है, तो इस तरह का सिचुएशन में इस तरह का आंसर होता है तो हम उसको ग्रेड फोर में रखते हैं। अगर इंटेलेक्चुअल इंसाइट होता है, हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम है, शायद मैं शराब लेती हूँ और उसके बाद घर में थोड़ा एक मतलब मारती पीटती हूँ इसीलिए लेके आया, तो फाइव ले देते हैं। अगर पेशेंट को ट्रू इमोशनल इंसाइट है, मतलब अगर पेशेंट को मतलब ये बोलते हैं कि हाँ मेरे को तो डिप्रेशन है, मैं सोच नहीं पाती हूँ और मुझे मेंटल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन का बीमारी है, टोटल अवेयर होता है कि उसको है क्या, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेड सिक्स में डालते हैं। तो इस तरह का इंसाइट जो है हम छह ग्रेडों में डिवाइड करके दे सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने फुल मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है, टोटल एसेस करने के बाद हमको क्या करना है, डायग्नोस्टिक फॉर्मुलेशन करना है। जो टोटल रिजल्ट आया है, जो हर चीज़ के बाद जो इम्प्रेशन हमको मिला है कि कौन सा चीज़ इंटैक्ट है, इम्पेयर्ड है, तो उसके हिसाब से हमको क्या करना है, डायग्नोस्टिक फॉर्मुलेशन करना है कि पेशेंट को क्या होने की चांसेस है, मेनिया, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, जो भी है, जो भी सिम्टम्स हमको लग रहा है बेस्ड ऑन ऑल दिस असेसमेंट, हमको वो चीज़ डायग्नोस्टिक फॉर्मुलेशन में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये साइकियाट्रिक में तो बहुत जरूरी है, आपको कंपलसरी ये जानना ही जानना है, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या है, तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने मेंटल स्टेटस जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में पढ़ा है। हमको मेनली जनरल अपीयरेंस देखना है, स्पीच देखना है, मूड एंड इफेक्ट देखना है, थॉट, उसका परसेप्शन लेवल, उसका कॉग्निटिव फंक्शन, उसका इंसाइट जो भी है चेक करके, एसेस करके, उसके बाद डायग्नोस्टिक फॉर्मुलेशन लिखना है। समझ में आ गया, थैंक यू।